नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज की न्यूज एंड अपडेट में आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर के साथ में अपडेट स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बिना किसी देरी के। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट जिसकी वजह से क्या कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू क्रैश हो रहा है, 30 अप्रैल यानी कि ये आज नाइट की अपडेट है। और यहाँ पर वॉरेन बफे, उनका एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने यहां पर कहा है, इफ यू ऑफर्ड मी ऑल द बिटकॉइन इन द वर्ल्ड फॉर $25, आई वुड नॉट टेक इट। मतलब कि अगर $25 में भी आप मुझे सारे बिटकॉइन दे दोगे तो भी मैं इसको नहीं लेने वाला। इतना नेगेटिव इन्होंने यहां पर बयान दिया है। अब जैसे ये बयान आया उसके बाद में जो मार्केट के अंदर टूरिस्ट होते हैं, मतलब बिटकॉइन के अंदर किसी के कहने पर आ गए और तुरंत पैसा डाल दिया, और ऐसी न्यूज़ को देखकर वो यहाँ पर पैनिक सेलिंग करने लगे। एक बड़ी पैनिक सेलिंग हमें यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर देखने को मिली है, और जिसके अंदर बिटकॉइन का प्राइस 37,400 के आसपास यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि रिकवरी पॉसिबल नहीं है, वो बिटकॉइन एनालिसिस वाली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये क्रिप्टो न्यूज़ की बात है। तो यहाँ पर जो वॉरेन बफे हैं और उनकी जो कंपनी है, उन्होंने भी यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन को ईविल बोला है। बिटकॉइन स्टूपिड एंड ईविल, तो ये जो है, तो एक जो वाइस चेयरमैन है, उन्होंने भी यहाँ पर इस तरीके का बयान दिया है, और इनका नाम है चार्ली मुंगर। तो ये मुंगर लाल है, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, और कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है, उनका क्या प्लान है। जैसे ये न्यूज आई उसके बाद में एक और न्यूज यहाँ पर हमारे सामने है, बिटकॉइन हाफिंग एनालिसिस हिंट एट $24, मतलब $24,000 के आसपास यहाँ पर बिटकॉइन का बॉटम हिट हो सकता है। ये लोग क्यों इतना पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, इस चीज को ये समझते हैं। जो वॉरेन बफे की कंपनी है, उन्होंने खुद रिसेंट के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन बाय किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिटकॉइन यहाँ पर रिसेंट के अंदर नहीं बाय किए। लेकिन अब ऐसे में क्या है कि जो ये इस तरह का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, इससे क्या है कि इन्हें यहाँ पर मिलेगी बॉटम एंट्री, और ये खुद नहीं बाय करेंगे डायरेक्ट अपनी कंपनी के थ्रू, ये थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर बाय करके होल्ड करेंगे। इनका काम ही है, क्योंकि पैसा है, उन्होंने क्या कि शेयर मार्केट के अंदर इस बार अच्छा खासा मनी लूज किया है। जितना बड़ा होगा यहाँ पर पैनिक क्रिएट, उतना बड़ा होगा यहाँ पर इनका बेनिफिट। आप मुझे बताइए कि जब मार्केट टॉप के ऊपर जाता है, इनका कोई बयान नहीं आता। जब मार्केट एक तो पहले से ही बुरी तरीके से डंप है, अचानक से ऐसे बयान आते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पूरी जो मार्केट है वो वॉलेटाइल हो जाती है, बड़ा इम्पैक्ट आता है। मतलब $25 में कोई इनको सारे बिटकॉइन दे देगा, तो ये जो जो बयान होते हैं ना, ये जान कर दिए जाते हैं। और ऐसे ही ये लोग क्या कि रिच नहीं बन गए, इनके ऊपर क्या कि रिच बनने के लिए ऐसे बयान का ही हाथ है। ऐसे बयान देने से पहले ये शॉर्ट करते हैं, इनको पता है कि इस बयान से मार्केट डंप होगी, 100x के साथ में शॉर्ट मारते हैं, क्योंकि ऐसे बयान के साथ में फिर भी मार्केट आज के टाइम में इतनी स्टेबल जरूर है कि जो ये बयान आया उससे $1,000 का इम्पैक्ट पड़ा है मैक्स। पहले तो ऐसे बयान आते थे तो बिटकॉइन 5-5 हज़ार, $10,000 बंद डाउन हो जाता था, क्योंकि अब लोग इनको समझ चुके हैं। तो ये थी यहाँ पर क्या कि मेजर अपडेट आज की, और बाकी जो अपडेट हैं अभी यहाँ पर उन सभी का यहाँ पर क्या कि लीगलाइजेशन, क्रिप्टो टैक्स, बहुत सारी कंट्री के अंदर लीगलाइजेशन हो रहा है और बहुत सारी अपडेट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट अभी के लिए यहाँ पर यही दो हैं। ट्रेडर से BTC करंट प्राइजेक्शन, तो जो BTC का जो प्राइस है, यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट यहाँ पर 24K वाले एरिया को बॉटम मान के चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि 28K से नीचे बिटकॉइन यहाँ पर आने वाली कंडीशन यहाँ पर बनेगी अभी के लिए। और यही लोग यहाँ से बिटकॉइन 5,000 डॉलर ऊपर जाएगा, यही बोलेंगे कि $1,00,000 जाने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की प्रेडिक्शन के ऊपर हमें बिलीव करना चाहिए। ये थी क्विक अपडेट आज की, शॉर्ट एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।